बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आवाज़ और स्क्रीन क्लियर है? चलें, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। देखिए, जो हमारी सीरीज़ है ना शेयर कैपिटल की, उसका ये लास्ट टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इससे पहले जब ये सीरीज़ स्टार्ट हुई थी ना, ये काफ़ी लेंथ में सीरीज़ है। हमने ये सीरीज़ स्टार्ट की थी प्रोस्पेक्टस से। हमारी ये कहानी थी प्रोस्पेक्टस तो हमारी ये कहानी स्टार्ट हुई थी प्रोस्पेक्टस से। तो प्रोस्पेक्टस से हमने स्टार्ट किया था इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। जो भी कंपनी होती है वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से अपना स्टार्ट लेती है। तो प्रोस्पेक्टस से हमारी बात स्टार्ट हुई थी। उसके बाद शेयर एप्लीकेशन पे हम चले गए। शेयर एप्लीकेशन के बाद ना यार, हमने सीखा था कि कंपनी जो है फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल कर सकती है। उसके ऊपर हमने डिटेल में चीज़ें पढ़ी, रेगुलेशन भी पढ़ी फर्दर इशू ऑफ शेयर कैपिटल। इसके बाद हमने देखा डिस्काउंट पे शेयर इशू करने हैं तो उसके ऊपर डिटेल में रेगुलेशन। फिर शेयर इशू हो सकते हैं प्रीमियम के ऊपर, शेयर प्रीमियम के ऊपर हमने रेगुलेशन पढ़ी। फिर उसके बाद जो हमारा लास्ट वीक में टॉपिक रहा है, उसके ऊपर हमने डिटेल में बात की कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर, कंपनीज बायबैक ऑफ शेयर्स। और लास्ट टॉपिक जो है अब इसी शेयर से रिलेटेड, जिसके बाद हम इससे निकल जाएंगे, शेयर्स वाले जितनी भी प्रोविजंस हैं उसमें से निकल जाएंगे, वो ये है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। और बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल में जो कंपनीज एक्ट था, इसने तसल्ली दी थी क्रेडिटर्स को कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, कि ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल नहीं है। लेकिन आज हम पढ़ेंगे यहाँ पे रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कि शेयर कैपिटल में चेंजिंग आ सकती है बाय द वे ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। तो आज हमारा टॉपिक रहेगा ये रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देखिए, लॉ ने इजाजत दी है कंपनी को कि कोई भी कंपनी किसी भी वक्त अपना कैपिटल रिड्यूस कर सकती है। रिड्यूस का मतलब अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको खत्म कर सकती है, उसकी पे ऑफ कर सकती है इन्वेस्टमेंट को। और ये रिडक्शन होती है, इससे हम अपना पेड अप कैपिटल जो होता है उसको रिड्यूस कर लेते हैं। बायबैक में हम अपना पेड अप कैपिटल रिड्यूस नहीं करते। बायबैक में हमने देखा था कंपनी अपने शेयर्स को खुद परचेज कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है रिडक्शन में हम शेयर कैपिटल को कैंसिल करेंगे और उसके साथ साथ अपना जो शेयर कैपिटल होगा उसको भी रिड्यूस करेंगे, उसको भी कंपनी खत्म करेगी। तो इसको बोलते हैं रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देखो, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में किसका ज्यादा नुकसान है तो उसी का ज्यादा राइट है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल में क्रेडिटर्स जो है ना उनका ज्यादा नुकसान है। क्रेडिटर्स जो है ना वो इस प्रोसेस में खलल डाल सकते हैं। तो कंपनी एक ऐसी कंपनी यार जिसने लोगों से कर्जा लिया हुआ है, आज वो कहती है हमने अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करना है, अपना शेयर अपनी इन्वेस्टमेंट को कर्टेल करना है, अपनी इन्वेस्टमेंट कम करनी है। तो ज्यादा तकलीफ इन्हीं लोगों को होगी ना कि यार हमारा तो कर्जा है इसके पास, अगर इसके पास इतने ही ज्यादा पैसे आ गए हैं तो क्यों ना ये हमें वापस कर दे। या इतना ही इन लोगों को नुकसान नजर आ रहा है शेयर कैपिटल में तो सबसे पहले हमारे पैसे वापस करें। तो लॉ ने राइट दिया है ऐसे लोगों को जिनका जिन जिन लोगों ने कंपनी को लोन दिया है, जो डिबेंचर्स हो हैं।
है खत्म कर लेती है और रिडक्शन हो जाती है। बायबैक में रिडक्शन नहीं हुई थी, ठीक है। अब कोई ऐसा बच्चा वो कहे जी सर जी मैं हमने आपने पिछले पढ़ाया था कि कंपनी ने बायबैक किया है और शेयर कम किए हैं, शेयर को कैंसिल किया है। यार वो था कि अपने शेयर खुद कंपनी ने खरीदे हैं और खरीदने के बाद कैपिटल को रिड्यूस नहीं किया था। वहां पे कोई चीज पड़ी आपने, पूरा हमने पूरे 3 दिन गुजार दिए उसके ऊपर, बाय बैक ऑफ शेयर कैपिटल, वहां पे कोई लफज पड़ा था तुमने कि जी कंपनी अपने शेयर खरीदेगी और उसके बाद अपने शेयर कैपिटल की जो इन्वेस्टमेंट है उसको भी रिड्यूस कर देगी। कभी नहीं पढ़ा यार तुमने वहां पे मेरे साथ। हाँ तुमने ये पढ़ा था कि शेयर्स जो खरीदेगी उनको कैंसिल कर देगी, क्यों? क्योंकि अब वो किसी की प्रॉपर्टी नहीं, कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी बन जाती है, या वो शेयर्स खरीदेगी संभाल के रख लेगी क्योंकि कंपनी की अपनी प्रॉपर्टी है, फर्दर किसी को इशू कर देगी बाद में, ठीक है। तो लेकिन रिडक्शन में क्या होता है, इसमें भी शेयर खरीदती है कंपनी, कंपनी शेयर खरीदती है, लेकिन लेकिन वो ये शेयर्स को क्या करती है, रिड्यूस, अपने शेयर कैपिटल को ही कम कर लेती है, ठीक है। तो ये होती है रिडक्शन। अच्छा किसका मैसेज आया सर प्लीज। अच्छा यार मैंने प्रॉस्पेक्टस की स्लाइड शेयर नहीं की तो सॉरी यार, मुझे लगता है मैं भूल गया था। तो कोई नहीं यार, मैं शेयर कर दूंगा आपके साथ। तो अब हमारा ये लास्ट टॉपिक है जी शेयर कैपिटल में रिडक्शन। अब आपको समझ आ जानी चाहिए रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या है और बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल में लॉ ने भी क्रेडिटर्स को कह दिया था कि यार परेशान होने की जरूरत नहीं है, दिस इज नॉट द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, दिस इज द बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल। बायबैक ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है कि कंपनी अपने शेयर्स की खुद मालिक बनने जा रही है, इन्वेस्टमेंट कंपनी करती है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या है, कंपनी पे ऑफ कर देती है कैपिटल को इन शेयर्स में, यानी शेयर जो है उनको कैंसिल करती है, उसके साथ साथ अपनी इन्वेस्टमेंट को भी कैंसिल करती है। ओके ये काम होता है। चलते हैं, अगर यहाँ तक किसी को अभी भी कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे मैसेज कर दे कि सर मुझे नहीं समझ आई बायबैक ऑफ शेयर क्या है और रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या है। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल क्या होता है, उन्होंने कहा कभी भी कंपनी जो है ना, अगर उसके आर्टिकल में ये लिखा हो, अगर उसके आर्टिकल में पावर हो और वो बाय स्पेशल रेजोल्यूशन अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर सकती है, ठीक है। रिडक्शन में क्या होता है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करने जा रहे हैं। तो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लॉ ने कहा कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, वो अपना शेयर कैपिटल जो है, इन्वेस्टमेंट जो है उसको रिड्यूस कर सकती है। कैसे करेगी, फर्स्ट वन वो कहते हैं जी स्पेशल रेजोल्यूशन होनी चाहिए, सेकंड वन ये अथॉरिटी रूल बुक में भी लिखी होनी चाहिए, यानी कि ये बात कंपनी के आर्टिकल्स में भी लिखी होनी चाहिए कि कंपनी के पास इख्तियार होगा फ्यूचर में कि वो अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। थर्ड वन जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ कोर्ट। यहाँ कमीशन को क्यों नहीं इंक्लूड किया यार, यहाँ पे राइट्स इंपैक्ट हो रहे हैं आम पब्लिक के, क्रेडिटर्स के, तो यहाँ पे फिर कोर्ट को इन्वॉल्व किया गया। तो कंपनी, कोई भी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, उन्होंने कहा अगर इसने अपनी इन्वेस्टमेंट को रिड्यूस करना है, कम करना है, खत्म करना है शेयर कैपिटल को, तो सबसे पहले उसको स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए, सेकंड वन जी उन्हें चाहिए वो ये बात अथोराइज हो, उन कंपनी को अथॉरिटी भी हो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में, यानी कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में भी ये बात लिखी हो कि कंपनी के पास पावर होगी कि वो अपने कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है, और थर्ड वन कि ये जो मामला भी होगा कोर्ट की नजर में ही होगा, कोर्ट की इजाजत के बगैर कोई कंपनी, उन्होंने कहा जी ये शेयर कैपिटल को रिड्यूस नहीं कर सकती। उन अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में रिड्यूस इन शेयर कैपिटल इन एनी वे, कहता है जी कंपनी अपने शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर सकती है। रिड्यूस शेयर कैपिटल रिड्यूस कैसे होगा, कहते जी ऐसे अगर आपने शेयर कैंसिल करने हैं ना जो के लॉस्ट हो गए हैं, या उनके पीछे कोई रिप्रेजेंटेशन है, आर अनरिप्रेजेंटेड बाय द अवेलेबल एसेट्स, एसेट्स तो मौजूद है लेकिन इनको क्लेम करने वाले को शेयर होल्डर मौजूद नहीं है। पहला उन्होंने कहा कि कंपनी जो है ऐसे शेयर कैपिटल को कैंसिल करना चाह रही है जो कंपनी की नजर में कभी क्लेम ही नहीं हुए, लॉस्ट हो गया शेयर कैपिटल,
शेयर्स जो हैं वो लॉस्ट हो गए हैं, या अवेलेबल एसेट्स तो मौजूद हैं लेकिन उनके पीछे अनरिप्रेजेंटेटिव हैं, यानी कि अनरिप्रेजेंटेशन है, कोई शेयर्स जो है वो क्लेम नहीं कर रहा उनको, तो कहता है ये भी रिडक्शन होती है, कंपनी अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करने जा रही है, या कंपनी क्या करे जी, कहता है जी पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ नीड्स ऑफ द कंपनी, या कंपनी क्या करना जा रही है, कंपनी कह रही है जी हम अपना कैपिटल पे ऑफ करना चाहते हैं क्योंकि हमारे पास इतनी जरूरत नहीं है जितना कैपिटल जमा हो गया है, और पे ऑफ करने के बाद ये कैपिटल को रिड्यूस भी करेंगे, पीछे जो बायबैक था ना उसमें रिड्यूस नहीं किया था कंपनी ने, इन्वेस्टमेंट उतनी शो हो रही थी, यहाँ पे क्या है वो कंपनी को कहता है जी, कंपनी को कहते हैं कि कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कहती है जी हमने पे ऑफ करना है आपको और अपनी इन्वेस्टमेंट को कैटल करना है, कम करना है। ऊपर वाला पॉइंट क्या था, वो कहता है कैंसल एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज लॉस्ट, पेड अप शेयर कैपिटल और उसको हमने कैंसल करना है विच इज लॉस्ट है, जो कि लॉस्ट है या अनरिप्रेजेंटेटिव है बाय अवेलेबल एसेट्स, ऐसे शेयर कैपिटल को हमने कैंसल करना है, ऐसे शेयर्स को हमने कैंसल करना है जिसके पीछे कोई आ ही नहीं रहा, ठीक है, ऐसे शेयर्स को हमने कैंसल करना है जिसके पीछे कोई ना कोई है लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा, उसके अगेंस्ट एसेट्स भी पड़े हुए हैं लेकिन कोई क्लेम नहीं कर रहा, तो इसकी सेंस ये बनती है भाई वो कंपनी अब वो ऐसे सारे क्लेम जो है उनको कैंसिल करने जा रही है जो के शेयर कैपिटल क्या हो गया, लॉस हो गया, या के अनरिप्रेजेंटेटिव है, अनरिप्रेजेंटेटेड बाय द अवेलेबल एसेट्स। उसके बाद उन्होंने कहा पे ऑफ एनी पेड अप शेयर कैपिटल विच इज इन एक्सेस ऑफ द नीड्स ऑफ द कंपनी, या कंपनी क्या करने जा रही है, पे ऑफ करने जा रही है, पैसा वापस देने जा रही है उन लोगों को जो शेयर होल्डर्स हैं, क्यों वे पैसा वापस करने जा रही है, क्योंकि वो कंपनी की नीड से ज्यादा है। तो यहाँ पे और पीछे वाले पॉइंट पे बायबैक में फर्क ये है कि वहां पे कंपनी ने खुद इन्वेस्टमेंट लगा ली अपने शेयर्स में, जो लोग थे उनको पैसा दे दिया, लेकिन लेकिन यहाँ पे ये मसला है कि कंपनी इसको कैंसिल करेगी, कंपनी इसको खत्म करेगी, तो कंपनी यहां पे इसको कैंसिल करेगी, रिड्यूस करेगी, ऑब्जेक्शन बाय क्रेडिटर एंड सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिंग क्रेडिटर्स। 1 मिनट सर। सॉरी फॉर वेट यार, मुझे बस ना रूम एक स्विच करना पड़ा जिसकी वजह से इंतजार करना पड़ा आप लोग को। अच्छा जी वापस आते हैं। देखो रिडक्शन पे सबसे ज्यादा किसको मसला है, क्रेडिटर को मसला है, उन्होंने कहा ना कहना है जी इतने ज्यादा तुम्हारे पास पैसे आ गए थे, कि कंपनी को कहेंगे क्रेडिटर इतने ज्यादा पैसे आ गए थे तो सबसे पहले हमारे पैसे पे करो ना वापस, क्यों तुम अपने शेयर होल्डर्स को पैसे वापस कर रहे हो। तो रिडक्शन के ऊपर सबसे पहला जो क्लेम बनता है वो क्रेडिटर्स का बनता है, क्रेडिटर्स क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, वो इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, बता सकते हैं, अपना हक जता सकते हैं। क्रेडिटर्स बोलेंगे भाई अगर इतना ही पैसा था तो हमें दे दो वापस, हमारा लोन लगा हुआ है। तो कोर्ट के पास जब एक कंपनी जाएगी होगा ये कि कंपनी एक रेजोल्यूशन पास करेगी, और रेजोल्यूशन हमें पता है कि कौन सी पास होगी, स्पेशल रेजोल्यूशन,
ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन तो हमने पढ़ ली ना, एजीएम में पास होगी। कंपनी एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करेगी कि हमने वो शेयर कैंसिल कर देने हैं, वो शेयर्स कैंसिल कर देने हैं जो कि लॉस्ट हो गए हैं या जिनकी रिप्रेजेंटेशन खत्म हो चुकी है, क्लेम नहीं कर रहा, ऐसे शेयर्स हमने कैंसिल कर देने। या कंपनी ये रेजोल्यूशन पास करेगी कि हमारे पास यार बहुत पैसा है, लेकिन हम क्या करना चाह रहे हैं कि अपना शेयर कैपिटल जो है उसको रिड्यूस करना चाह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट जो है अब हम अपनी कम करना चाह रहे हैं। ठीक है, दो केसेस में लॉ ने कहा कि खुद से आप मान रहे हैं जी हम अपना शेयर कैपिटल कट करने जा रहे हैं, या शेयर कैपिटल कट करने जा रहे हैं ऐसे शेयर्स का जो कि अनरिप्रेजेंटेटिव है, जिनकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है कंपनी में। तो लॉ कहता है कि आप पहले स्पेशल रेजोल्यूशन पास करें, और ये बात कंपनी के आर्टिकल में भी लिखा हो कि कंपनी इस काम करने के लिए उसको किसी की इजाजत की जरूरत नहीं, वो ऑथराइज्ड है। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करने के बाद लॉ कहता है आप चले जाएं कोर्ट के पास, कोर्ट के जज के बाल बनाते हैं पहले। कोर्ट का जज सबसे पहले पूछेगा क्या तुमने ये जब स्पेशल रेजोल्यूशन पास की तो सारे क्रेडिटर से इजाजत ले ली थी, अगर नहीं ली तो कोर्ट इनको बोलेगा जाओ वापस चले जाओ और जाके एक लिस्ट बना के लाओ, और उस लिस्ट में सारे क्रेडिटर्स का जितना कर्जा जो जो भी है लिख के लेके आओ। ठीक है, कंपनी सबसे पहले किसके पास जाएगी, कोर्ट के पास। बड़ा अच्छा जज बन गया मेरे सामने। तो ये जज बोलेगा स्पेशल रेजोल्यूशन तो पास हो गई, अच्छा वो क्रेडिटर्स आपके किधर है। सबसे पहले कोर्ट ये बात करेगा, क्योंकि लॉ ने कंपनी एक्ट ने कह दिया कि कोर्ट सबसे पहले बोलेगा मेरे सामने वो लिस्ट तो रखें कि आपने किस किस से कितना कितना कर्जा लिया है। अगर लिस्ट नहीं रखेंगे तो कोर्ट आपको वापस भेजेगा, जाओ वो लिस्ट तो लेके आओ कितना कितना लोगों का कर्जा आपने देना है। फिर जब वो लिस्ट पेश कर देंगे ना इस कोर्ट के पास, कोर्ट फिर दोबारा कहेगा क्या तुमने इन क्रेडिटर्स का कर्जा पे कर दिया, क्या ये क्रेडिटर्स जिनकी लिस्ट मुझे दिखाई है इनका कर्जा पे कर दिया और इनको बता दिया ना कि हम रिड्यूस होने लगे हैं। तो अगर कर्जा तो पे कर दिया तो कोर्ट कहेगा वेल एंड गुड, मैं ऑर्डर पास करता हूं आप अपना शेयर कैपिटल पे ऑफ कर दे, आप अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दे। ठीक है, अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर दे। पहले तो ये तरीका कार है कि क्रेडिटर की लिस्ट बनाई हमने, कहा जी ये हमारे क्रेडिटर हैं, ये देखो जी हम इनको पैसे दे देते हैं। तो कोर्ट को हमने कहा जी हमने पैसे दे दिए, कोर्ट ने कहा ओके फिर मुझे क्या मसला, क्रेडिटर ही नहीं है तो आप ये काम करें। हाँ, दूसरा केस, कोर्ट ने कहा यार ये है क्रेडिटर की लिस्ट, क्या तुमने इनको पैसे दे दिए। कंपनी ने बोला नहीं मैंने अभी पैसे नहीं दिए, नो का जवाब आ गया। फिर कोर्ट ने कहा अच्छा तुमने इनको पैसे नहीं दिए, क्या इनसे इजाजत ले ली, इजाजत क्या इनसे इजाजत ली है कोई कि भाई हम रिड्यूस करने लगे हैं आपको कोई मसला तो नहीं। कंपनी बोलेगी हाँ जी हमने सबसे इजाजत ले ली है, क्रेडिटर को कोई मसला नहीं। कोर्ट फिर ये ऑर्डर पास कर देगा ओके जाओ रिड्यूस करो। एक तीसरा केस जो हमें ये यहाँ पे भी फिर नजर आएगा, कंपनी करने लगी है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, कोर्ट ने कहा कहाँ है वो क्रेडिटर, हमने लिस्ट पेश कर दी ये है क्रेडिटर। कोर्ट ने कहा पैसे दे दिए, सबसे पहले कोर्ट ये पूछेगा, हम बोलेंगे नहीं पैसे नहीं दिए। फिर उसके बाद कोर्ट का पूछेगा अच्छा पैसे नहीं दिए तुमने, इजाजत ली इनकी, हम बोलेंगे नहीं इजाजत भी नहीं ली। तो फिर कोर्ट कहेगा क्यों क्यों इजाजत नहीं ली, हम बोलेंगे वो क्रेडिटर पैसे मांग रहे हैं। तो कोर्ट बोलेगा या तो उनको पैसे पे करो, या तो उनको पैसे पे करो, या यहाँ पे पक्का वादा करो, अल्लाह की कसम खा के पक्का वादा करो कि उनको पैसे पे करोगे इतनी तारीख तक। ठीक है, तो जब हम अल्लाह का पक्का वादा करेंगे, कसम खा लेंगे कोर्ट के सामने, और कोर्ट
आपको इस बात की तसल्ली दिला देंगे कि हम इन लोगों को पैसे पे कर देंगे तो कोर्ट ये ऑर्डर पास कर देगा। अब आपको ये सारे प्रोसेस की होपफुली समझ आ गई होगी। अब हम इसको पढ़ेंगे ना तो बड़ी अच्छी हमें समझ आएगी। ओके तो देखना, हर उस क्रेडिटर का राइट है जिससे कंपनी ने कर्जा लिया होता है वो इस प्रोसीडिंग को ऑब्जेक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्शन बाय क्रेडिटर एंड सेटलमेंट ऑफ लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिंग क्रेडिटर्स। आपको हेडिंग पढ़ के ही समझ आ गई होगी मेरी कहानी की जो मैंने उधर बोली। एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हु इज इंटाइटल्ड टू एनी डेटर क्लेम। उन्होंने कहा हर वो क्रेडिटर जो के लीगली कंपनी का क्रेडिटर है। एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी हु इज इंटाइटल टू एनी डेटर क्लेम। हर किस्म के क्रेडिटर की बात हो रही है, हर किस्म की लाइबिलिटी की बात हो रही है। जिसने भी कंपनी से कर्जा ले वापस लेना है उनकी बात हो रही है। शेल बी इंटाइटल टू ऑब्जेक्ट द रिडक्शन। उसका ये राइट है, वो उठ के ऐसे बोल सकता है। उसके बाद कोर्ट शेल सेटल अ लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स सो एंटाइटल टू ऑब्जेक्ट। कोर्ट क्या करेगा, कोर्ट की जिम्मेदारी है वो इनसे बनाए वो वाली लिस्ट के कौन कौन से क्रेडिटर हैं, किन किन का हक है कि वो रिडक्शन को ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल क्रेडिटर्स मस्ट बी इंटर इन दैट लिस्ट एंड देयर कंसेंट मस्ट बी टेकन बाय द कंपनी। देखा ये वाला केस, उन्होंने कहा जब भी कोर्ट के पास केस जाएगा ना, स्पेशल रेजोल्यूशन जाएगी कि हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो कोर्ट सबसे पहले कहेगा कि भाई जी क्रेडिटर की लिस्ट कहाँ पे है, क्रेडिटर की लिस्ट दिखाई जाएगी। तो फिर कोर्ट बोलेगा इजाजतनामा ले लिया, इजाजतनामा मिल गया क्रेडिटर्स के, वो खुश हैं कि तुम अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस कर रहे हो। तो कोर्ट सबसे पहले आता जी लिस्ट बनवाएगा हर क्रेडिटर जो कि इस रिडक्शन को क्लेम करने का हक रखता है, उन सब की लिस्ट बनवा लेगा और पूछेगा कि क्या उनका इजाजतनामा ले लिया, कि तुम कंसेंट मस्ट बी टेकन बाय द कंपनी, कि कंपनी ने इजाजतनामा ले लिया कि हम शेयर कैपिटल को रिड्यूस कर देंगे। फिर उसके बाद अगर इजाजतनामा नहीं लिया, अगर इजाजतनामा नहीं लिया तो कोर्ट कहता है जी डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ क्रेडिटर। डिस्पेंस विद द, डिस्पेंस का मतलब होता डिस्पेंस विद द मतलब होता है कि कोर्ट यहां से आपको आजादी दिला देगा, कोर्ट आपको यहां से रिलीफ दे देगा। ठीक है, ऊपर उसने कहा कि सबसे पहले इजाजतनामा लो क्रेडिटर्स का, नीचे आके कहा कोर्ट ना आपको ऊपर वाली प्रोविजन से रिलीफ दे देगा, आजादी दे देगा। किस बात की आजादी, कोर्ट शैल डिस्पेंस विद द रिक्वायरमेंट ऑफ कंसेंट ऑफ क्रेडिटर। कोर्ट जो है ना, जब उसके पास स्पेशल रेजोल्यूशन जाएगी, क्रेडिटर्स की लिस्ट नहीं मांगेगा इस केस में, कंसेंट नहीं मांगेगा। क्यों, वेयर द कंपनी एग्रीज टू सिक्योर द पेमेंट ऑफ हिज डेट आर क्लेम। समझ आई, जहां कंपनी ये अल्लाह की कसम खा लेना यार, कोर्ट हम सचमुच अल्लाह की कसम खा रहे हैं कि सच्ची मुच्ची इनको पैसे दे देंगे, हमारा ऑर्डर पास कर दो। तो कोर्ट कहता है, फिर कोर्ट जो है ना डिस्पेंस विद कर देता है इस रिक्वायरमेंट से कि हर क्रेडिटर की कंसेंट जो है लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कह रहे हो कि इनके पैसे इस तारीख तक हम पे कर देंगे। और फिर उसके बाद कहा द पेमेंट मे बी फुल आर सच अमाउंट एज मे बी फिक्स बाय द क्रेडिटर। और ये जो तुमने अल्लाह की कसम खाई है ना कि कोर्ट सच सच में हम पैसे पे करेंगे इनको, तो कोर्ट ने कहा कि पेमेंट वो होगी फिर जो मैं डिसाइड करूंगा, वो फुल पेमेंट तुम अदा करोगे या उतनी पेमेंट कम से कम लाजमी अपने क्रेडिटर्स को अदा करोगे जो कोर्ट ने कहा। तो जब भी ये कंपनी ने स्पेशल रेजोल्यूशन पास करनी है वो सीधा कोर्ट के पास जाएगी और कोर्ट सबसे पहले यही पूछेगा कहाँ है वो क्रेडिटर्स जिनका तुमने पैसा देना है, उनकी लिस्ट बना ली है, हाँ बना ली है, तो क्या इनकी इजाजत ले ली है। अगर इजाजत नहीं ली तो कोर्ट के सामने अगर कंपनी ने अल्लाह की कसम खा ली ना, हल्फिया बयान दे दिया कि वाकई पैसे देंगे, तो कहता है ठीक है फिर इससे मुकरना नहीं। तो उस तारीख जो तारीख कोर्ट अनाउंस कर दे या उतने पैसे जितने कोर्ट अनाउंस कर दे वो पैसे दे के कंपनी क्या करेगी, कैपिटल को रिड्यूस कर लेगी।
power to dispense with the consent of creditor on security being given for his debt. कोर्ट की पावर है कि क्रेडिटर की कंसेंट से डिस्पेंस विद कर ले. डिस्पेंस विद का मतलब कि आजादी दे रहे कंपनी को. बाज दफा होता है कंपनी ने लिस्ट पेश की, कोर्ट ने कहा कि तुमने इनकी इजाजत ले ली है, कंपनी ने कहा हम इजाजत लेने गए थे हमें इजाजत नहीं मिली. तो कोर्ट कैसे इस प्रोविजन से रिलीफ देगा? कहता जी इस केस में क्या करना पड़ेगा. Where creditor entered on the list of creditor whose debt or claim is not discharged. कहता है जी creditor की list बनाएगी और सारे creditor लिख लिए गए, वो सारे creditor लिख लिए गए जिनका debt claim हमने discharge अभी नहीं किया. Are determined या उनका claim हमने determine किया हुआ है लेकिन वो रजामंदी नहीं दे रहा कि reduction करनी है. ठीक है ना, ये वाला process देखो, ये देखो ये किधर गया. ये देखो हमने स्पेशल रेजोल्यूशन पास की थी, हम कोर्ट के पास गए, कोर्ट ने कहा कहाँ है वो पर्सन जिनका तुमने पैसा देना है. हमने ये पेश कर दिया, हमने बता भी दिया कि भाई जी हम पैसा देने को भी तैयार हैं लेकिन अगला बंदा लेने को तैयार नहीं और वो रजामंद भी नहीं कि तुम लोग रिडक्शन कर लो. क्योंकि कोर्ट ने सबसे पहले कहा था कि क्रेडिटर का इजाजतनामा ले लो सबसे. हाँ अगर आप इजाजत नहीं मिलती तो उनको पैसे पे करो, जान छुड़वाओ. हाँ तुम इजाजतनामा लेने गए हो, पैसे भी दे रहे हो और वो कहता है नहीं जी जो लोन का अग्रीमेंट था ना उसी पे चले, मुझे नुकसान हो रहा है, मैंने तो नहीं लेने पैसे और मैं इजाजत नहीं देता आपको कि आपकी कंपनी जो अपनी इन्वेस्टमेंट कंट्रेल करे. तो इसकी रिक्वायरमेंट में क्या है कि कोर्ट के पास इख्तियार है, पावर है कि वो कंपनी को इस प्रोविजन से जो है आजादी दिला दे, इस प्रोविजन को रिलैक्स कर दे अगर क्या किया जाए. तो दोबारा पढ़ते हैं. उसने कहा कोर्ट के पास ये इख्तियार है, कोर्ट के पास पावर है, जहां एक क्रेडिटर जिस जो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में उसको लिखा हो और उसका डेट आपने डिस्चार्ज नहीं किया अभी और उसका डेट जो है डिटरमाइंड तो हो गया है, आप तैयार हैं पैसे देने के लिए, डजंट कंसेंट टू द रिडक्शन, वो इजाजत नहीं दे रहा कि आप रिड्यूस करें. द कोर्ट इफ इट थिंक फिट, कोर्ट के पास ये इख्तियार होगा टू डिस्पेंस विद द कंसेंट ऑफ दैट क्रेडिटर. कोर्ट के पास इख्तियार होगा कि उस क्रेडिटर की कंसेंट जो है ना उससे आजादी दिला दे आपको. लेकिन ये आजादी कब मिलेगी? जब कंपनी क्या करेगी, कंपनी सिक्योरिंग द पेमेंट ऑफ हिज डेट आर क्लेम by appropriating as court may direct the following amount, that is to say उन्होंने कहा कोर्ट इसकी आजादी से जान छुड़वाएगा, इसकी कोर्ट की कंसेंट क्रेडिटर की कंसेंट से जान छुड़वाएगा अगर कंपनी क्या करे ऐसे क्रेडिटर का डेट सिक्योर कर ले, ऐसे डेट क्रेडिटर का डेट या क्लेम क्या करे सिक्योर कर ले. डेट इज टू से उन्होंने कहा सिक्योर करने का मतलब क्या है. कंपनी कोर्ट के सामने क्या करे इफ द कंपनी एडमिट्स, कंपनी एडमिट कर रही है, कंपनी मान रही है, खुद मान रही है, इफ द कंपनी एडमिट द फुल पेमेंट ऑफ हिज डेट आर क्लेम आर दो नॉट एडमिटिंग इट इट it is willing to provide for it then the full amount of his debt or claim. pehli line mein bachcho usne pata kya kaha, usne kaha ki company agar uska debt secure karegi na to court uski ijazat se azadi dila dega. pehli provision company jo hai na admit kar le khud hi keh de ki yaar court ke samne ye bayan de de ki hum iska full debt dene ke liye taiyar hain. तो लॉ कहता अगर फुल डेट देने के लिए तैयार भी नहीं तो हाँ ये मान ले कि हम हमारी विलिंगनेस है कि हम इसका डेट डिस्चार्ज करना चाहते हैं. एंड इफ द कंपनी डज नॉट एडमिट आर इज नॉट विलिंग टू प्रोवाइड फॉर डेट अमाउंट, और कहता जी अगर कंपनी तैयार नहीं है अभी इस अमाउंट को फुली पे करने के लिए, और इफ द अमाउंट इज कंटीजेंट आर नॉट असर्टेंट, तो या लोन की अमाउंट कंटीजेंट है अभी नहीं
सर्टन हो सकती, देन एन अमाउंट फिक्स बाय द कोर्ट आफ्टर लाइक इंक्वायरी एंड एडजुडिकेशन एज इफ द कंपनी वेयर बीइंग वाउंड अप बाय द कंपनी बाय द कोर्ट। तो यार पहले पहली लाइन में उसने पता क्या कहा, उसने कहा जी एक क्रेडिटर जो कि बड़ा ही अड़ियल क्रेडिटर है उसको बड़ा गुस्सा है, ने कहा जी मेरा पैसा जो है ना आपकी कंपनी में लगा है और आपके साथ अग्रीमेंट है, आप सूद भी देंगे और पैसा भी देंगे, लेकिन अब आप कह रहे हो कि अपना पैसा वापस कर लो, तो वो कहेगा मैंने तो बिल्कुल नहीं लेना और जाओ मैं इजाजत नामा भी नहीं देता। तो फिर कोर्ट कहता है जी कंपनी को मैं इसके जो है ना चंगुल से तुम्हें छुड़ा लूंगा, तुम क्या करो फर्स्ट पॉइंट में उसका डेट सिक्योर कर दो। वो डेट सिक्योर करने का मतलब क्या है, नीचे फिर कोर्ट ने बताया, डेट सिक्योर करने का मतलब है कि कंपनी जो है ना इस पर्सन को या तो फुल अमाउंट उसका डेट जो है वो डिस्चार्ज करे, कोर्ट के सामने एडमिट कर ले कि वाकई हमने इनका इतना पैसा देना है तो हम देते हैं अभी, या कोर्ट के सामने कह दे कि विलिंग है, विलिंगनेस है, हम वाकई ही सच में इसको पैसे देंगे, हमारी विलिंगनेस है। दूसरा पॉइंट, अगर डेट की अमाउंट डिटरमाइन एग्जैक्ट नहीं की जा सकती, वो कहता है जी मेरा तो कर्जा भी इसमें लगा हुआ है, इंस्टॉलमेंट भी ये मुझे पे कर रहे हैं और मैं लोन प्लस इंटरेस्ट पे चलता हूं, मेरा इंटरेस्ट और लोन, और अगर इन्होंने ये अग्रीमेंट वगैरह तोड़ा तो मैं कुछ और पैसा भी लेना चाहता हूँ, इनके दरमियान झगड़ा है। इस केस में कोर्ट ने कहा कि उतनी अमाउंट लाजमी सिक्योर करो जो कोर्ट हुक्म दे देगा, जो कोर्ट कह देगा ना कि इतनी अमाउंट पे करनी है, तो कंपनी फिर उसके लिए तैयार हो जाए। तो इस तरह कोर्ट ऐसे क्रेडिटर की चंगुल से कंपनी को छुड़ा सकता है जो कि बिल्कुल अड़ियल है, वो कहता है जी नहीं मैंने इजाजत देनी, हालांकि कंपनी कह रही थी कि हम आपका डेट सिक्योर कर देते हैं। तो ये प्रोविजन थी सेक्शन नंबर 91 की कि पावर ऑफ कोर्ट, कि कोर्ट के पास पावर है कि ऐसे क्रेडिटर की कंसेंट से आजादी दिला दे। जब सारी लिस्ट ऑफ क्रेडिटर क्लियर हो जाएंगी, देखो ये लिस्ट जो है फिर उसी डायग्राम की तरफ हम जाएंगे, जब वो सारे क्रेडिटर्स जिनकी लिस्ट हमने पेश की है, जिन जिन से कर्जा लिया हुआ है, जिन लोगों ने इजाजत दे दी है वो तो रहेंगे, जिन लोगों ने इजाजत नहीं दी उनको पैसा दे दिया, और जिन लोगों ने फिर भी इजाजत नहीं दी हम पैसा देने के लिए भी तैयार हैं, उनको उनके लिए कोर्ट कहता है डिस्पेंस विद करवा दूंगा, ठीक है, उनकी इजाजत से डिस्पेंस विद करवा दूंगा और उनकी लाइबिलिटी पे ऑफ कर देंगे। और तीसरा पंगा उसने कहा था कि सब क्रेडिटर्स का नाम आ गया, आपने अभी इजाजत नहीं ली तो प्रॉमिस कर लें, वादा कर लें कि कब तक आप उनका पैसा वापस कर देंगे, तो वादा कर लिया, तो कहता जी कोर्ट क्या करेगा फिर ऑर्डर पास कर देगा, फिर कोर्ट के पास कोई हल नहीं है, आप सब चीजें जो रिक्वायरमेंट पूरी हैं तो कोर्ट क्या करेगा, अगला स्टेप आ गया, कोर्ट करेगा ऑर्डर पास कर देगा और ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन। द कोर्ट क्या कर सकता है, कोर्ट मे मेक एन ऑर्डर फॉर कंफर्मिंग द रिडक्शन, कोर्ट क्या करेगा इनकी रिडक्शन को फिर कंफर्म कर देगा, ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशन, ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन पे एज इट थिंक फिट, जो उसे थिंक फिट कोई अच्छी लगेगी। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट एवरी क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इज एंटाइटल्ड टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन, और ये कोर्ट आर्डर फिर पास करेगा, तब ही पास करेगा जब कोर्ट को तसल्ली हो जाए, यकीन हो जाए कि जो क्रेडिटर्स जो कंपनी के खिलाफ आवाज उठा सकते थे, इंटाइटल टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन, इस रिडक्शन के खिलाफ, इस रिडक्शन के फैसले के खिलाफ जो जो क्रेडिटर आवाज उठा सकता था क्या किया जाए। तो ऑर्डर कंफर्मिंग द रिडक्शन तब पास होगा जब कोर्ट को तसल्ली हो जाएगी। तसल्ली कैसे होगी, कहता जी अगर जितने भी क्रेडिटर हैं ऑब्जेक्ट, जो जिनका राइट है कि वो रिडक्शन को ऑब्जेक्ट करें, क्या किया हो उनके साथ, नंबर वन इधर हिज कंसेंट टू द रिडक्शन हैज बीन ऑब्टेंड, ऑर्डर पास कर देंगे, लॉ ने कहा हम रिडक्शन का ऑर्डर पास कर देंगे अगर जितने भी क्रेडिटर थे जिन्होंने आवाज उठानी थी रिडक्शन के खिलाफ उन्होंने क्या किया हो,
उनकी इजाजत ले ली हो, या हिज डेट आर क्लेम हैज बीन डिस्चार्ज, जिसकी इजाजत नहीं मिली उसके उसको पैसा दिया और जान छुड़ाई, उसका डेट या क्लेम आप डिस्चार्ज कर लिया, या हैज बीन डिटरमाइंड आर हैज बीन सिक्योर्ड, आपने क्या किया उनका डेट या तो डिटरमाइन किया साइड पे रखा या सिक्योर कर लिया, और कोर्ट के सामने ये एडमिट कर लिया कि हम वाकई इनका पैसा देंगे और फुली देंगे, तो फिर कोर्ट क्या पास करेगा, एक ऑर्डर पास कर देगा जिसको कहेंगे रिडक्शन का ऑर्डर। ठीक है, उस दिन से फिर कंपनी के पास पावर आ जाएगी कि अपने जो फिर शेयर्स शेयर होल्डर हैं उनको पैसा वापस करे और अपना शेयर कैपिटल कैंसिल करके अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर ले। ठीक है, तो बिल्कुल एक प्रॉपर और लीगल वे से अब हमने अपनी इन्वेस्टमेंट को कर्टेल कर लिया है, रिड्यूस कर लिया। लेकिन सबसे पहले देखो इस्लाम के मुताबिक भी किसका राइट सिक्योर किया गया, हाँ जी कर्जेदारों का, कि जिनसे पैसा उधार पे लिया हुआ था ना, तो कंपनी एक्ट ने कहा सबसे पहले उनका उधार तो वापस करो ना, फिर अपने मेंबर्स का जो है पैसा वापस करना। पब्लिकेशन ऑफ रीजन फॉर डिडक्शन इन द केस ऑफ रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, जब भी एक कंपनी अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस करती है कम करती है, द कोर्ट मे रिक्वायर द कंपनी टू पब्लिश, कोर्ट इस ऑर्डर के अलावा जो ऊपर ऑर्डर इशू किया ना प्लस जाते हुए कंपनी को कहेगा सुन लो एक बात, तुम कंपनी तुम क्या करोगी, पब्लिश करोगी द काजेज विच लीड टू द रिडक्शन, अवाम को तुम बताया करोगी कि क्या काजेज थे, क्या वजूहात थी जिसकी वजह से तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट को कर्टेल किया कम किया। रीजंस फॉर रिडक्शन, कौन कौन सी रीजंस थी जिनकी वजह से ये रिडक्शन हुई, एंड सच अदर इंफॉर्मेशन एज मेड कोर्ट में थिंक फिट, और इनके अलावा वो बातें भी अवाम को बतानी है जो कोर्ट को अच्छी लगेंगी, कि ये भी आप अपनी रिडक्शन की इंफॉर्मेशन के साथ लोगों को बताएं। इसके बाद मेंबर्स की लायबिलिटी क्या होगी, अगर कंपनी ने क्या किया, यार ये वाली लिस्ट है, दोबारा उस डायग्राम की तरफ जाते हैं, अच्छी डायग्राम बन गई है, अब डायग्राम की तरफ गई, हाँ ये देखो, अगर ये कंपनी थी इसने पास की स्पेशल रेजोल्यूशन, ये रेजोल्यूशन गई कोर्ट के पास, सबको नजर आ रहा है ना ये कोर्ट के पास रेजोल्यूशन गई, ये जज साहब बैठे हुए हैं, इन्होंने कहा जी कहाँ है वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर जो कंपनी एक्ट ने मुझे कहा है तुमने लाजमी देखनी है, ले के आओ जरा सब मेरे सामने। कंपनी ने क्या किया, जल्दी जल्दी से लिस्ट बना ली, कंपनी ने जब ये लिस्ट बनाई तो एक क्रेडिटर या एक से ज्यादा भी हो सकता है ये कंपनी से छूट गया, इसका नाम ही नहीं लिखा, कंपनी ने या तो गलती से नहीं लिखा या कंपनी ने जानबूझ के नहीं लिखा, इसके बाल लंबे लंबे बना देते हैं क्योंकि इसको गुस्सा चढ़ गया। अब कंपनी ने इसका यार नाम नहीं लिखा, कोर्ट ने तसल्ली ले ली कि हाँ जी सारे क्रेडिटर्स से इजाजतनामा ले लिया कंसेंट फॉर्म की तरह सबके, हाँ ये क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने इजाजतनामा दिया ठीक है, जिन्होंने नहीं दिया पैसे पे कर दिए, कंपनी ने कहना हाँ जी आओ देखो पैसे पे कर दिए, फिर अच्छा जो क्रेडिटर नहीं मान रहे उनसे तो कोर्ट जान छुड़वा देगा, डिस्पेंस विद करवा देगा, तो चलो जी कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया आप रिडक्शन कर लें, रिडक्शन का मतलब क्रेडिटर को पैसा पे ऑफ हुआ या क्रेडिटर साथ चलना चाहते हैं। रिडक्शन का इम्पैक्ट क्या आएगा कि ये जो मेंबरान बैठे हुए हैं ये जो नजर आ रहे हैं ना, ये इन्होंने आपस में रजामंदी की होगी कि इतने लोग कंपनी से अब चले जाएंगे, इन इनका कैपिटल आपस में इन्होंने रजामंदी की होगी कि वापस लेके ना कैंसिल कर लेना है, ये मेंबर तो चले गए ना कंपनी से, पीछे कौन से मेंबर बच गए, ये वाले मेंबर, अब ये बड़े बालों वाला आ गया मैदान में, अब ये अपीयर हो गया, पहले पता नहीं कहां सोया हुआ था, अब ये अपीयर हो गया जब कोर्ट ने कहा जी रीजन फॉर जो है ना वो दिखा दो अवाम को कि क्यों रिड्यूस हुआ, अब ये आ गया, अब इसके बारे में गाइडलाइन है क्या किया जाएगा, कौन जिम्मेदार होगा फिर इसको पैसा देने के लिए, सबसे पहले इसके पैसे की बात होगी, फिर
जो है ना कंपनी को फाइन लगेगा वो देखेंगे। लाइबिलिटी ऑफ मेंबर इन रिस्पेक्ट ऑफ रिड्यूस शेयर्स। इफ एनी क्रेडिटर इंटाइटल इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी डेटर क्लेम टू ऑब्जेक्ट द रिडक्शन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट टू द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, अगर वो कहता है जी कोई भी क्रेडिटर जिसका ये राइट बनता था कि वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को ऑब्जेक्ट कर सके। ऑब्जेक्ट का मतलब पता है ना, वो हम मूवीज में देखते हैं ऑब्जेक्शन माई लॉर्ड, कि अपनी प्रोसीडिंग को जरा जज साहब रोकिएगा और मेरी बात सुनिएगा। तो कहता है जी अगर ऐसा क्रेडिटर जो इंटाइटल था उसका ये इख्तियार बनता था कि वो रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को ऑब्जेक्ट कर सके, इज बाय द रीजन ऑफ कोई रीजन हुआ, हिज इग्नोरेंस ऑफ प्रोसीडिंग ऑफ रिडक्शन, कोई रीजन हुआ जिसकी वजह से वो इग्नोरेंट रह गया, आर ऑफ देयर नेचर एंड इफेक्ट विद रिस्पेक्ट टू हिज क्लेम नॉट इंटर्ड ऑन द लिस्ट ऑफ क्रेडिटर, या कुछ ऐसा हुआ, कुछ डेट की नेचर ऐसी थी या कोई ऐसा काम हुआ जिसकी वजह से वो लिस्ट ऑफ क्रेडिटर में कंपनी लिखना भूल गई। एंड आफ्टर द रिडक्शन, और आफ्टर द रिडक्शन क्या होगा, इफ एनी क्रेडिटर आफ्टर द रिडक्शन देन क्या होगा, अगर वो आफ्टर द रिडक्शन अपियर हो जाए तो फिर क्या होगा, एवरी पर्सन हु वाज अ मेंबर ऑफ द कंपनी एट द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्डर फॉर द रिडक्शन शैल बी लायबल टू द कंट्रीब्यूट फॉर द पेमेंट ऑफ दैट डेट or claim an amount not exceeding the amount which he would have been liable to contribute if the company had commenced to the wind up on the day before the date of registration. तो कहता है जी अब ये बड़े बालों वाला अपीयर हो गया हमारे सामने, अब क्या किया जाएगा। कहता है जी हर वो पर्सन जो उस टाइम मौजूद था कंपनी में। आवाज आ रही है, ठहरो मुझे देखने दो एक मिनट, में चार्जिंग पे भी लगा लूं, शायद चार्जिंग का मसला है, एक मिनट यार। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी होपफुली स्पीड तेज होगी, आवाज का देख लो। अच्छा ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं। अच्छा अब हम किस केस स्टडी को डील कर रहे हैं, हम ये वाली केस स्टडी को, ये लंबे बालों वाला तब सोया हुआ था इसको पता नहीं चला, या ये लंबे बालों का वाला ना हमसे स्किप हो गया, अब ऑर्डर जो है रिडक्शन का पास हो गया, कंपनी ने पेड ऑफ कैपिटल किया और बाकी लोग अपने घरों को चले गए, अब ये मैदान में आ गया तो कोर्ट क्या कहता है, कंपनी एक्ट क्या कहता है, कहता है जी इसको अब पैसे कौन देगा, ये तो आ गया ना मैदान में, ये कहता है जी मेरी तो इजाजत ली नहीं इन लोगों ने, तो कहता है जी इसके तरफ किन लोगों की जिम्मेदारी होगी, कहता जी हर वो मेंबर हर वो पर्सन जो के इस तारीख पे जब ये ऑर्डर पास हुआ था ना कोर्ट का, ऑर्डर फॉर रिडक्शन पास हुआ था, इस तारीख पे जो भी कंपनी का मेंबर था वो इसको इस तरह पैसे देगा जैसे कि कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई हो और उसकी जिम्मेदारी बन गई हो कि वो अपनी हसीयत के मुताबिक इसको पैसा दे, यानी कि मेंबर्स की जितनी लायबिलिटी थी ना शेयर्स के ऊपर वो उतनी लायबिलिटी के हिसाब से इसकी तरफ लायबल होगा,
तो लॉ ने कहा बाकी जो मेंबर बच गए हैं ना सबकी जिम्मेदारी होगी, जिस दिन ये ऑर्डर पास हुआ तो सबकी जिम्मेदारी होगी मिलके कंट्रीब्यूट करें। हाँ कितना कितना कंट्रीब्यूट करो, जितनी जितनी शेयर्स के ऊपर तुम्हारी लायबिलिटी थी इसको उतना उतना कंट्रीब्यूट करो। होपफुली समझ आ गई होगी। उसके बाद इफ द कंपनी इज वाउंड अप, और अगर कंपनी सच में वाइंडिंग अप में चली गई है, और ये लंबे बालों वाला तब डियर हुआ कि यार इसको पहले नहीं पता चला, कंपनी ने पहले अपना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल किया, अब कंपनी के हालात ही बुरे आ गए और कंपनी वाइंड अप में चली गई, और ये फिर अपीयर हुआ, ये फिर जाहिर हुआ। द कोर्ट ऑन एप्लीकेशन ऑन एनी सच क्रेडिटर एंड प्रूफ ऑफ हिज इग्नोरेंस एज अफोरसेड एज इट मे थिंक फिट सेटल अकॉर्डिंगली अ लिस्ट ऑफ पर्सन सो लायबल टू कंट्रीब्यूट एंड मेक एंड इनफोर्स कॉल्स एंड अदर ऑन द कंट्रीब्यूटरीज टू सेटल ऑन द लिस्ट एज इफ दे वर ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटरीज इन द वाइंडिंग अप। तो कहता है जी इस केस में क्या होगा, कोर्ट ना एक फिर लिस्ट बनाएगा कि कंपनी का कौन कौन सा मेंबर, कंपनी का कौन कौन सा मेंबर इस लंबे वाले बालों वाले पर्सन को पैसे देगा। कोर्ट का लिस्ट बनाएगा, कहता है जी जो उसको थिंक फिट लगेगी कोर्ट को, और उसमें हर उस पर्सन को फोर्स किया जाएगा, उसे बार बार कॉल की जाएगी, कॉल वो वाली कॉल नहीं याद होती, समन भेजे जाएंगे कि वो इसको ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूटरीज की तरह इसको कंट्रीब्यूट करें, कि पैसा जमा करे और इसको पैसा दे। तो ये लिस्ट का इख्तियार है फिर कोर्ट के पास कि अगर कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए तो कोर्ट के पास अगर ऐसा सामने कोई पर्सन अपीयर हो जाए और वो अपनी मासूमियत भी जाहिर कर दे कि मैं बहुत मासूम था उस वक्त, तो कहता है जी ऐसा मासूम बंदे के पास फिर यही हल है कोर्ट का कि जब वो अपनी मासूमियत का इजहार दे देगा कोर्ट को, तो कोर्ट एक ऐसी लिस्ट बनाएगा उसके लिए जो कि कंपनी के मेंबर्स की होगी, और उस लिस्ट को फोर्स किया जाएगा कि इसका पैसा वापस करें। तो बाद में वाइंड अप जो है मामला तो वो उसको देख लेंगे। 2 मिनट का इंतजार बस, अजान हो रही है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन आया मेरे पास सर, रिडक्शन और वाइंडिंग अप। ठहरो पहले ये सीरीज जो है इसको कंप्लीट कर लूँ, फिर मैं क्वेश्चन की तरफ आता हूँ। तो उसके बाद उन्होंने कहा इंक्रीज एंड रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल इन केस ऑफ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल। तो इन केस ऑफ इंक्रीज या डिक्रीज रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, ऐसी कंपनी का शेयर कैपिटल जिस कंपनी में लोगों ने गारंटी भी दी हुई है, लिमिटेड बाय गारंटी बट हैविंग शेयर कैपिटल, अ कंपनी लिमिटेड बाय कंपनी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी में इफ इट हैज अ शेयर कैपिटल एंड इज सो ऑथोराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल इंक्रीज या रिड्यूस इट्स शेयर कैपिटल इन द सेम मैनर एंड ऑन द सेम कंडीशन सब्जेक्ट टू विच द कंपनी लिमिटेड बाय शेयर बींग। तो उन्होंने कहा जी ऐसी कंपनी जो कि लिमिटेड बाय गारंटी है वो अपना शेयर कैपिटल कैसे इंक्रीज या डिक्रीज करेगी, जैसे हम पीछे पढ़ के आ गए हैं ना सारी रेगुलेशन, कहता है वो सेम टू सेम इसके ऊपर सारी की सारी अप्लाई होंगी।
रजिस्ट्रेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिडक्शन, जब ऑर्डर ऑफ रिडक्शन आएगा फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे और उसको रजिस्टर भी करवाएंगे। रजिस्टर कहाँ से करवाएंगे? डेफिनेटली यार अपने रजिस्ट्रार से। द रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार कौन होगा? एसईसीपी में बैठा हुआ वो पर्सन जिसने हमें हमारी कंपनी को रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू किया था। हम कोर्ट के पास से गए और रिडक्शन का ऑर्डर लेके आ गए। द रजिस्ट्रार ऑन फाइलिंग विद हिम अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ ऑर्डर ऑफ द कोर्ट कंफर्मिंग द रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी शैल रजिस्टर द सेम। वो कहता है रजिस्ट्रार कुछ भी नहीं करेगा, बस वो ऑर्डर आएगा और कंपनी की रजिस्ट्रेशन में उसको रजिस्टर कर लेगा। A resolution for reducing share capital as confirmed by an order of court registered shall take effect on such registration and not there before. जो कंपनी ने रेजोल्यूशन पास की थी, जो कि एक स्पेशल रेजोल्यूशन थी, उसका इम्पैक्ट उस दिन आएगा जो रेजोल्यूशन थी कि रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल, और उसको कंफर्म किया था कोर्ट ने बाय एन ऑर्डर, वो उस दिन इफेक्ट में आएगी जिस दिन आप ये ऑर्डर अपने रजिस्ट्रार से रजिस्टर करवाएंगे। उससे पहले आप अपना शेयर कैपिटल रिड्यूस नहीं कर सकते। रजिस्ट्रार शैल सर्टिफाई अंडर हिज हैंड, रजिस्ट्रार क्या करेगा? सिग्नेचर करेगा। Certify under his hand the registration of the order and his certificate shall be conclusive evidence. Registrar फिर क्या करेगा? एक certificate issue करेगा दोबारा से इसको reduced amount के साथ, reduced amount of share capital के साथ एक certificate कहता है जी, वो जो भी नया certificate है वो issue करेगा और register करेगा। कहता है इसका रजिस्टर करना और सर्टिफिकेट का इशू होना एक कंक्लूसिव एविडेंस है, ऐसा सबूत जिसके ऊपर कोई शक ही नहीं होगा, पक्का सबूत है। वो पक्का सबूत होगा इस बात का कि कंपनी ने ऑल द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस एक्ट के इस एक्ट की सारी बातें मान ली है विद रिस्पेक्ट टू रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल have been complied with and that the share capital of the company is such as stated in this order. और कंपनी का शेयर कैपिटल फिर वो होगा जो के ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो यार यहाँ तक थी रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। देखा हमने वो लंबे वालों बालों वाले का नाम पाया था ना, तो कोर्ट क्या करेगी? कोर्ट कहता जी अगर कोई ऐसा पर्सन मेरे सामने आ गया जो कि आपने विलफुली या मिस रिप्रेजेंट किया, उसका डेटा क्लेम या छुपाने की कोशिश की, तो कोर्ट कहता हम भी आपको फिर दुनिया से छुपा लेंगे। कैसे छुपाएंगे? पनिश करेंगे विद इम्प्रिजनमेंट, आपको सजा देंगे जो कि लंबी हो सकती है अप टू 1 ईयर। यानी कि यही हुआ ना, दुनिया से छुपा लिया उन्होंने अगर आपने कोई क्रेडिटर का नाम छुपाया। और विद द फाइन, और फाइन लगा सकते हैं, और विद द फाइन विच में एक्सटेंड टू 5 million rupees, या अकेला फाइन लगा सकते हैं, और विद बोथ, और कोर्ट को ज्यादा गुस्सा चढ़ गया ना तो बोथ, दोनों सजाएं एक साथ अनाउंस की जा सकती है। तो यार ये सारा जो था ना रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल था, अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी शेयर कैपिटल की सीरीज थी वो हमने कम्प्लीट कर ली है। अब हमारा जो अगला सफर है वो इंशाल्लाह बहुत मजे का होगा। उसमें थोड़ी सी प्रोविजन रह गई है कंपनीज एक्ट की, और वो भी चैप्टर्स वाइज मैंने बनाई हुई है, उसके ऊपर भी हमारे थोड़े से दिन लगेंगे, वो भी कंप्लीट कंपनी एक्ट हमारा कंक्लूड हो जाएगा। अच्छा जी, अब मैं आता हूँ आपके क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस की तरफ जिस किसी का क्वेश्चन है वो पूछे, फिर मैं आगे भी पढ़ूंगा। फिर यहाँ पे शेयर कैपिटल की प्रोविजन जितनी भी है ना ये खत्म हो गई है, शेयर कैपिटल की प्रोविजन सेक्शन नंबर 95 पे। अब कंपनी एक्ट में कोई चोरी कहानियां हैं। सर रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाइंडिंग अप से पहले किया जाता है? देखो वाइंडिंग अप में क्या होता है, हमने वाइंडिंग अप शायद आपने लेक्चर सुने हो, वाइंडिंग अप में कंप्लीट हमने पढ़ा था कि कंपनी इन फाइनेंशियल डिफिकल्टी, कंपनी किसी भी क्रेडिटर को पैसा देने के काबिल नहीं रही, या किसी भी क्रेडिटर का पैसा, किसी ऐसे क्रेडिटर का पैसा उसने रिफ्यूज किया है जिसकी 1 लाख अमाउंट थी
और उसने रिक्वेस्ट की थी हेड ऑफिस में। तो लॉ कहता है ये इविडेंस होता है कि कंपनी किस में है, फाइनेंशियल डिफिकल्टी में है। तो वाइंडिंग अप की अपनी सीरीज है, उसमें बताया, उसमें तो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की डेथ हो जाती है, ये जो कंपनी थी ना इसकी, उसमें डेथ हो जाती है और मेंबर्स जो होते हैं उनको बोला जाता है कंट्रीब्यूट करें टू द एसेट्स ऑफ द कंपनी, कि कंपनी के कैश में अब पैसा डालें जितना तुम लोगों ने कसमें उठाई हुई थी और जितना मेमोरेंडम में लिखा था। अगर वो कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स है तो शेयर कैपिटल तक जो अनपेड रह गए हैं उतना पैसा इंट्रोड्यूस करें। हाँ यार, ये है रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल। इसमें आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की कोई डेथ नहीं हुई, खत्म नहीं हुआ, वो दुनिया में मौजूद है, लेकिन ये क्या करना चाह रहे हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट को कम करना चाह रहे हैं, कर्टेल करना चाह रहे हैं, रिड्यूस करना चाह रहे हैं। तो उसका एक तरीकेकार है, वो लॉ ने तरीकेकार बताया कि अपनी इन्वेस्टमेंट को ना तुम यार ऐसे ही रिड्यूस नहीं कर पाओगे। देखा कितना लंबा प्रोसीजर था ये, सबसे पहले तुम स्पेशल रेजोल्यूशन आपस में एग्री हो जाओ कि पे ऑफ करना चाह रहे हो, उसके बाद कहता है स्पेशल रेजोल्यूशन के तो टाइम पड़ा है ना हमने कि 15 दिन के अंदर रजिस्ट्रार के पास फाइल करो और जो काम करना है स्पेशल रेजोल्यूशन के तहत कर लो, लेकिन यहाँ पे नहीं। कहता तुम वो स्पेशल रेजोल्यूशन के ऊपर कभी भी काम नहीं करोगे, वो स्पेशल रेजोल्यूशन जो है कोर्ट के सामने पेश की जाएगी, और वो सारा प्रोसीजर जो कि अभी हमने ये सारा प्रोसीजर जो कि हमने पढ़ा और ये डायग्राम की शक्ल में समझ भी लिया कि कोर्ट बोलेगा आहा रिडक्शन ऐसे नहीं होगी, सबसे पहले वो सारे बंदों के नाम लिख के ले आओ जिनके तुमने पैसे देने हैं, फिर वो सारी कस्में इजाजत वादे और पैसे देने हैं, तो कोर्ट जो है रिडक्शन का ऑर्डर पास करेगा। याद रखना यार, वाइंडिंग अप होता है, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन ही दुनिया से उठा देते हैं, उसकी डेथ हो जाती है। तो अगर कोई पर्सन ऐसा रह जाए तो कोर्ट कहता हम ऐसे सोचेंगे कि जैसे जी वाइंडिंग अप हो गई है और आपको फोर्स किया जा रहा है पैसा दें, तो वो वहां पे ये था। तो वाइंडिंग अप हरगिज ये नहीं होती रिडक्शन ऑफ कैपिटल, और रिडक्शन ऑफ कैपिटल डज नॉट अमाउंट टू वाइंडिंग अप। अच्छा जी, रिडक्शन ऑफ कैपिटल का ड्यूरेशन कितना है आफ्टर इशू ऑफ सर्टिफिकेट? सर जैसे बाय बैक शेयर में 30 डेज का ड्यूरेशन है। देखो उन्होंने कहा जी रिडक्शन का ऑर्डर पास करवा लिया, रजिस्ट्रेशन करवा ली, फिर आप अपना कैपिटल रिड्यूस कर दें, यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है। इसका मतलब आप पे ऑफ कर दें अपना पैसा, पे ऑफ कर लें पैसा और कैपिटल को रिड्यूस कर दें, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं बताई लॉ ने। तो उन्होंने कहा हम तो यही सोचेंगे, उसी दिन से सोचेंगे जिस दिन ये ऑर्डर रजिस्टर हुआ, और इसके बाद जब से ऑर्डर रिसीव होगा कंपनी अपनी हर किताब में या उस जगह पे भी एक्सप्लेन करेगी जिस जगह कोर्ट ने कहा है कि तुमने एक्सप्लेन करना है कि तुम्हारा शेयर कैपिटल क्यों रिड्यूस हुआ, क्या वजूहात थी। सर आपने जो स्लाइड नहीं दी सच्चे प्रोस्पेक्टिस, हाँ यार वो सेंड कर दूंगा मैं, क्वेश्चन पूछे और फिर मैं आगे चल जाऊंगा। रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल वाइंडिंग अप से पहले, अच्छा ये भी हो गया, वाइंडिंग अप अलहदा कंसेप्ट है और रिडक्शन अलहदा कंसेप्ट है। सर जो कंपनी रिड्यूस रिडक्शन कैसे करेगी जब लेना है? अच्छा कायनात ने पूछा कि सर कैपिटल को कंपनी रिड्यूस कब करेगी, जब क्रेडिटर से इजाजत नामा ले लेना है या कोर्ट से जब ऑर्डर आ जाना है? वो तब अपना कैपिटल रिड्यूस करेगी जब रजिस्ट्रार को वो कोर्ट का ऑर्डर दिखाएगी, कोर्ट ने जब ये ऑर्डर पास करना है ना कि जाओ आप मेरी तरफ से अलाउ है कि तुम लोग रजिस्टर जो है रिडक्शन कर लो, तो रिडक्शन का इफेक्ट कब से स्टार्ट होगा? जब वो ऑर्डर लेके आप जाओगे रजिस्ट्रार के पास और रजिस्ट्रार आपको उस ऑर्डर के मुताबिक एक सर्टिफिकेट इशू ना कर दे, फिर कंपनी अपना जो है ना वो करेगी शेयर कैपिटल रिड्यूस करेगी। अगर कोर्ट रिलीफ देती है तो क्या कंडीशन रखती है? देखो कोर्ट ने जब रिलीफ दिया ना तो कंडीशन रखी थी या तो तुम सारा पैसा एडमिट करो और या तुम यहाँ पे कसम खाओ कि तुम ये पैसा वाकई दोगे, तो सारा पैसा दो इधर। तो अगर अभी नहीं देना तो कोर्ट कहता जी उनका पैसा डिटर्मन करके साइड पे रखे मेरी तसल्ली के लिए। तो फिर हमने अभी ये पढ़ा था ना सेक्शन में, तो कोर्ट
को जब तसल्ली दिलाएंगे ना कायनात, तो तब कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास करने कर देगा। सर काइंडली गिव एन एग्जांपल ऑफ, यार बताई तो थी जहीर, कैंसलेशन ऑफ पेड अप कैपिटल, कि वो कैपिटल रिमूव करना जा रहे हैं जिसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। सर इन 5 मिनट एडवाइस हो टू प्रिपेयर आवर सेल्फ फॉर एग्जाम बिकॉज नो वी स्टडीज अलॉट एंड इट इज द बेस्ट टाइम टू रिवाइज एंड स्टार्ट टू लर्न प्लीज सर। चलो ठीक है इंशाल्लाह, ये बुध वाले दिन जहीर मैं ना आपको एरिया स्पेसिफाई करूंगा कि आपने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ उठा लेनी है कंपनी एक्ट में। लेकिन अभी कंपनी एक्ट में कुछ और भी बाकी पड़ा हुआ है, हार्डली इसको लगेंगे 6 या 10 लेक्चर लगेंगे, कंपनी एक्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है जहीर, तो अच्छा टाइम है कहता जी याद करने का, हम याद कर लें। इसके बाद स्लाइड प्रॉस्पेक्टस की हाँ याद भेज दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन, फिर आगे चले। और किसी का कोई क्वेश्चन? ये अभी लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, देखो हमें पता है डायरेक्टर कौन होते हैं, डायरेक्टर कंपनी के मेंबर भी होते हैं। और कंपनी के मेंबर कौन होते हैं? कंपनी के मेंबर ऐसे लोग होते हैं जिनकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, इसीलिए बोला जाता है ना कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कि ये एक कंपनी है, ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। इसकी लायबिलिटी, इस आर्टिफिशियल कंपनी की, इस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन की लायबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब कि कंपनी ने अगर किसी से कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा ना किया, कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट ना किया, तो कंपनी इस पर्सन, तो कोर्ट इस कंपनी को फाइन भी लगा सकती है, या कोर्ट इस कंपनी की डेथ भी अनाउंस कर सकती है वाइंडिंग अप। लेकिन जो कंपनी के पीछे बैठे हुए थे शेयर होल्डर्स प्लस इन्हीं में से जो डायरेक्टर्स थे, इनको कुछ नहीं हुआ, इनकी सिर्फ इन्वेस्टमेंट डूब की। क्यों? क्योंकि यार जी इनकी जो थी ना इन्वेस्टमेंट वो थी लिमिटेड, इनकी लायबिलिटी क्या थी? लिमिटेड थी। ठीक है, फिर इसलिए ये लोग बच गए, समझ आई? ये होता है कंसेप्ट, एक कंपनी की इटसेल्फ लायबिलिटी, कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, पर्सन है तो ये जीता जागता इंसान है। तो अगर इसने कोई ऐसा काम कर लिया तो इसकी लाइबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड रहती है थ्रू आउट द वर्ल्ड, कि कोई भी काम करनी है, कर लेना है ना, तो इसने जी भाई जी उसके पैसे पूरे अदा करने हैं। अगर नहीं अदा करेगी तो हमने पढ़ा है ना वाइंडिंग अप, इसकी डेथ करवा के इसके जो भी पैसे होंगे इससे निकाल लेंगे, निचोड़ लेंगे। लेकिन ये लोग बच गए, क्यों बच गए? इन्होंने मेमोरेंडम लीगल डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ था हमारी लायबिलिटी लिमिटेड होगी। कितनी लिमिटेड होगी? जितने हमारे पास शेयर्स होंगे ना बस हमने उतना ही पैसा देना, इसके अलावा हमें नहीं तंग करना, तो इसलिए ये लोग बच गए। अब एक नया कंसेप्ट आपको बताने जा रहा हूँ, ये हमने वाइंडिंग अप में पढ़ा था, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। लॉ कहता है अ कंपनी, ये वाली कंपनी, अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, ऐसी कंपनी जो के लिमिटेड बाय शेयर्स है, जिसमें, इसका मतलब क्या होता है भाई? लिमिटेड बाय शेयर्स का मतलब होता है कंपनी की अपनी लायबिलिटी अनलिमिटेड है, लेकिन कंपनी के मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड है, इसलिए बोला जाता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, के इसमें ऐसे ओनर्स मौजूद हैं, इसमें ऐसे मेंबर्स मौजूद हैं जिनकी लायबिलिटी लिमिटेड है, कम है।
तो लॉ क्या कहता है, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मे हैव लायबिलिटी ऑफ वन डायरेक्टर आर मोर डायरेक्टर एज अनलिमिटेड। कि कंपनी ऐसी कंपनी जिसके तमाम मेंबरान की लायबिलिटी तो लिमिट होगी, लेकिन कुछ डायरेक्टर्स उनकी लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। लेट्स सपोज अगर ऐसी कंपनी वाइंडिंग अप में चली जाए जिसमें एक ऐसा डायरेक्टर जिसने ये कसम खाई हुई है कंपनी के साथ कि मैं मेरी लायबिलिटी भी अनलिमिटेड है, मेरी लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, तो क्या होगा? अगर ऐसी कंपनी वाइंडिंग अप में चली गई तो सबसे पहले लॉ कहता है लिमिटेड बाय शेयर कंपनी के एसेट बेचो जितने भी हैं। अगर कोई एसेट्स इतने काबिल नहीं है, कंपनी के पास इतना पैसा नहीं है कि सारे क्रेडिटर पे ऑफ हो जाएं, फिर इस डायरेक्टर को पकड़ लिया जाएगा, इस डायरेक्टर को फिर पकड़ लिया जाएगा। ये नहीं कहेगा कि यार मेरी लायबिलिटी लिमिटेड थी, जैसे तमाम मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड थी, लॉ ने उनको कुछ नहीं कहा, देखो सिर्फ कंपनी का पैसा लिया लॉ ने और बांट दिया, ये लोग हंसी खुशी घर चले गए, लेकिन इसको लॉ पकड़ लेगा क्योंकि ये ऐसा डायरेक्टर है जिसने कंसेंट दी है अपनी कि मेरी लायबिलिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड कंपनी के साथ क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो ऐसा डायरेक्टर जो है उसको पकड़ लेंगे और उससे सारा फिर पैसा निकलवाएंगे जितना कम रह गया। हाँ, अगर पैसा ना निकल सका तो इसे इंसॉल्वेंट भी कर देते हैं क्योंकि इसकी लायबिलिटी क्या थी, अनलिमिटेड थी। तो यही बात लॉ ने यहाँ पे की, अ कंपनी अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर, अनलिमिटेड लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मे हैव द डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। जो कंपनी जिसमें तमाम मेंबरान की लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड है, जिनमें तमाम मेंबरान की लायबिलिटी लिमिटेड है, कम है कि अगर वाइंड अप हुई तो इनकी जान बख्शी जानी है, उसमें एक ऐसा डायरेक्टर भी होगा जिसकी जान पकड़ी जानी है। अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर मे हैव डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी इन अ लिमिटेड कंपनी। एक ऐसी लिमिटेड कंपनी, इन अ लिमिटेड कंपनी द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर आर एनी ऑफ डायरेक्टर मे इफ सो प्रोवाइडेड बाय द मेमोरेंडम बी अनलिमिटेड। कहता जी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर में किसी भी डायरेक्टर की लाइबिलिटी जो है ना आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं, अगर ये बात मेमोरेंडम में भी लिखी हो, इन अ लिमिटेड कंपनी इन विच द लाइबिलिटी ऑफ डायरेक्टर इज अनलिमिटेड। एक ऐसी लिमिटेड कंपनी जिसमें डायरेक्टर की लायबिलिटी को अनलिमिट कर दिया गया हो, द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इफ एनी एंड द मेंबर्स हु प्रपोजेज अ पर्सन फॉर इलेक्शन आर अपॉइंटमेंट टू द ऑफिस ऑफ डायरेक्टर शैल एड टू द डेट प्रपोजल अ स्टेटमेंट दैट द लायबिलिटी ऑफ पर्सन होल्डिंग दैट ऑफिस विल बी अनलिमिटेड। तो यहाँ पढ़ने से हमें पता चला लॉ ने कहा अगर कोई ऐसा डायरेक्टर इस सीट पे बैठने वाला है और उस सीट की शर्त ये है कि इस सीट पे जो डायरेक्टर बैठेगा ना उसकी लायबिलिटी क्या होगी, उसकी जिम्मेदारी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी। तो कहता है जी कंपनी के बाकी डायरेक्टर, कंपनी के तमाम डायरेक्टर उसको एक रिटर्न स्टेटमेंट देंगे कि भाई आप एक ऐसी चेयर पे बैठने वाले हैं जिसमें कंपनी ने रजामंदी दी है कि इस चेयर पे जो भी बैठेगा उसकी लायबिलिटी, हमारी लायबिलिटी तो लिमिटेड होगी, कंपनी अगर डूब गई तो हम बच जाएंगे, पीछे हो जाएंगे, लेकिन जो इस चेयर पे बैठेगा, इस डिसीजन मेकिंग पावर पे बैठेगा, उसकी लायबिलिटी
अनलिमिटेड होगी। कहता जी वो डायरेक्टर इसको स्टेटमेंट देंगे या इसको इस जगह पे बिठाने वाले वो पर्सन जिसने इसको फोर्स किया था कि तुम इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर में हिस्सा लो, वो तुम वाकई डायरेक्टर बन जाओगे इस सीट के लिए जिसकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और उसके बाद यहाँ पे बात नहीं रुकेगी, द प्रमोटर्स एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी वो तो स्टेटमेंट देंगे, फिर जब ये अपने ऑफिस में बैठ जाएगा ना कि उनकी स्टेटमेंट को भी पढ़ के कि इस चेयर की लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कि कंपनी कल को डूब गई तो इसकी पर्सनल लायबिलिटी है फिर पैसा डालने की। तो इसके बाद फिर भी द प्रमोटर एंड द ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी, कंपनी के ऑफिसर्स सीईओ सेक्रेटरी उस बंदे के पास आएंगे, फिर उसको बताएंगे। आर वन ऑफ देम वो इकट्ठे आ जाए या एक उनके सामने आ जाए, बिफोर दैट पर्सन दैट एक्सेप्ट द ऑफिस एक्ट देयर इन गिव हिम नोटिस इन राइटिंग, इसको राइटिंग में नोटिस देंगे, भाई जी खबरदार आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी लायबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, कि कल को अगर कंपनी फ्लॉप हो गई, प्लान फ्लॉप हो गया, जितने पैसे देने हुए पहले तो कंपनी अपने पैसों से दे देगी, कोर्ट कंपनी के सारे एसेट्स बेच देगा, बिल्डिंग बेच देगा, लैंड बेच देगा, सब कुछ बेच देगा। हाँ अगर कोई क्रेडिटर रह गया तो कोर्ट फिर भाई जी आपको पकड़ लेगा, ठीक है। तो कहता जी अगर कोई ऐसा डायरेक्टर कंपनी ने अनाउंस करना है ना तो जो उसको लाने वाला है वो भी उसको ये स्टेटमेंट देगा, और जब ये अपनी चेयर में बैठ जाएगा जाके काम करना शुरू कर देगा, तो काम शुरू करने से पहले कंपनी के ऑफिसर्स, तो कंपनी के ऑफिसर्स कौन होते हैं, सीईओ सीएफओ सेक्रेटरी और अदर डायरेक्टर्स, इसको एक दोबारा स्टेटमेंट देंगे कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं ना ज्यादा मुस्कुराए ना, इसकी लाइबिलिटी क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है। तो कहता है जी अगर किसी ने इस सेक्शन की वायलेशन की, कोई ऑफिसर्स जो है वो भूल गया इसको स्टेटमेंट देना, वो तो लेवल 1 पेनल्टी का हकदार होगा, उसके साथ जितने डैमेजेस इसको पे करने पड़े, उसके बाद जितना नुकसान इस पर्सन को कुर्सी पे बैठने से हुआ, कि इस चेयर की, इस डिसीजन मेकिंग ऑफिस की पावर अनलिमिटेड थी, इस पर्सन को नहीं बताया गया और ये काम कर रहा है, बाद में कोर्ट को या वाइंडिंग अप पे पता चल गया कि इस डायरेक्टर की लायबिलिटी अनलिमिटेड थी लेकिन इसको नहीं किसी ने बताया, तो लॉ कहता है इसकी लायबिलिटी सेम रहेगी, इससे पैसा लिया जाएगा, लेकिन इसका हर्जाना कौन भरेगा, ये बाकी सारे पर्सन जो इसको बताना भूल गए थे। होपफुली अच्छी समझ आ गई होगी, कोई क्वेश्चन है किसी का? सर क्या अनलिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ जी डायरेक्टर की भी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, लेकिन बाज दफा कंपनीज क्या कहती हैं, यार हमारे पैसे डायरेक्टर की डिसीजन मेकिंग बाद में है, तो कोई ऐसा डायरेक्टर जिम्मेदारी ले जो कहता है जी मेरी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी और मैं आपके पैसों के साथ फेयर पे खेलूंगा, इसको सही तरीके से इस्तेमाल करूंगा। तो कंपनी में है द डायरेक्टर विद अनलिमिटेड लाइबिलिटी। चले इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर्स होंगे उसमें जहीद वाली बात कि मैं आपको एरिया स्पेसिफाई करके दूंगा और जिसको आप साथ साथ तैयार करेंगे, और दूसरी बात ये कि नेक्स्ट जितने लेक्चर्स हैं 10 या 12 लेक्चर की गेम है, हम इंशाल्लाह यहाँ से निकल जाएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।